कर रहा है अगर आप पोजिशनल बेसिस पे बात करें, बट इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज सा मूव था और वो साइडवेज से मूव से स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। दो तीन दिन पहले का जो थर्सडे का एक सडन यू नो डाउन मूव था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट ही एक बहुत क्रूशल जंक्चर पर है दीपांशु। मैंने फ्राइडे को जो चीज़ एडवोकेट की थी, मैं अभी भी वही बोलूँगा कि फाइनेंशियल्स थोड़े से फ्रजाइल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है, तो उस सूरत में लिवरेज ना रहे स्पेशली यू नो इन स्टॉक्स जो बहुत शार्पली मूव करते हैं। तो वेट एंड वॉच दीपांशु एडवोकेट करूंगा, और एट द सेम टाइम ऐसा कहूंगा कि एबी कैपिटल आउट परफॉर्मर है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए तो बेटर रहेगा एंट्री, बट मौजूदा स्तरों के हिसाब से मुझे लगता है वेट एंड वॉच इज अ बेटर स्टैंड। इंतजार करें, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं। ये है आज के लिए आपकी पूरी स्ट्रेटेजी स्टॉक।